अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे और अल्लाह ताला आप तमाम को खुश रखे और सेहत दे और जो जो भी मुश्किलात हैं वो अल्लाह ताला सबकी दूर करें। और इस वक्त नई सुबह का आगाज़ शुरू हो चुका है और इस वक्त मैं मुर्गियों को निकालूंगा और उनको दाना डालूंगा। अभी मैं आप लोगों की बदौलत इस मकाम पर हूँ और आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं कुछ बता नहीं सकता। और सितारा की वजह से भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिली है और आप लोगों की बस दुआएं हैं तो मेरा चैनल चल रहा है। और जो भी डेली की रूटीन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी मैं ऊपर आया हूँ तो अभी पिजन को भी दाना डालना है और ये मुर्गियाँ भी देखें, एक मुर्गी बाहर निकली है और बाकी अंदर हैं, तो इनको मैं अभी निकालता हूँ और इनको मैं दाना डालता हूँ अभी, क्योंकि ये काफ़ी बेताब हैं, काफ़ी देर से मेरा वेट कर रहे हैं। ये तो अभी मैंने मुर्गियों को निकाल दिया, अभी इनको मैं दाना दूँगा। ये देखें, ये दाना मैंने रखा हुआ कूलर के अंदर। ये तो अभी मैं दाना देने लगा हूँ। ये और अभी इन मुर्गियों को भी मैंने अंदर ही देना दाना, क्योंकि इनको बाहर निकालूंगा तो ये आपस में लड़ती हैं बहुत ज़्यादा। एक दो घंटे बाहर निकालता हूँ और जब मैं यहीं पे खड़ा रहता हूँ, जब ये दाना खा लेती हैं तो फिर मैं इनको अंदर केज में बंद करके फिर चला जाता हूँ। ये तो फ्रिज में ना काफ़ी देसी मुर्गियों के अंडे जो हैं वो काफ़ी हो गए हैं, तो अभी मैं ये अंडे ले कर जा रहा हूँ दूसरे घर देने के लिए, क्योंकि यहाँ काफ़ी जमा हो गए हैं। ये तो मैं दूध दही लेने के बाद घर आ गया हूँ। ये तो मैं घर आ गया हूँ, ये अभी सब सो रहे हैं जी। मैंने उठाया था तो अभी ये उठ के आ गए और आसिम भाई भी सो रहे हैं, तो अभी मैं दूध दही ले आया, अंडे भी आ गए, तो अभी नाश्ता बनाए। ये तो चाय यहाँ पे रेडी हो रही है, और अभी पेड़ भी बना रहे हैं क्योंकि आटा गूंदा हुआ था और बहुत दिल कर रहा है कि जल्दी बस नाश्ता रेडी हो और मैं नाश्ता करूं, क्योंकि बहुत भूख लगी हुई है। और यहाँ पर लच्छेदार पराठे की डो बनाई जा रही है, ये देखें, तो लच्छेदार पराठे ऐसे ही बनते हैं, ये देखें। ज़बरदस्त। और यहाँ पर चाय रेडी हो चुकी है, बॉयल आ गया इसको, तो अभी एक दो बॉयल और आएंगे तो उतार लेंगे। ये बग़ैर चीनी की जो चाय है वो निकाल ली अलग से, क्योंकि हमारे में से एक अफराद है जो बग़ैर चीनी के चाय पीते हैं। और ये चाय बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब तवा भी गर्म हो गया, अब बनाएंगे पराठे जी। तो यहाँ पर नाश्ता आ चुका है, पराठा, सालन और दही, बहुत ही अच्छा। और वहाँ पर अभी रेडी कर रहे हैं नाश्ता जी, तो अभी हम नाश्ता स्टार्ट करने लगे हैं। बहुत ही अच्छे कम सालन बना हुआ है और दही भी बहुत अच्छी है, पराठा भी, तो बहुत मज़ा आ रहा है नाश्ता करने का जी। तो चाय रेडी होके आ चुकी है, अब मैं चाय पीने लगा हूँ जी। तो मैंने नाश्ता कर लिया और चाय भी पी लिया, अभी मैं जाता हूँ घर, क्योंकि मुझे बेड शीटें वगैरह ये सब चीज़ें लेके जानी है धोबी के पास, क्योंकि उनको वॉश कराना है, तो अभी मैं वहाँ जाऊँगा धोबी के पास जी। तो मैं वापस घर आ गया हूँ जी। तो हम ड्राई क्लीनर शॉप पे पहुँच चुके हैं, वैसे यहीं पे रख दो बस, हाँ यहीं पे रख दो। वैसे ड्राई क्लीनर कपड़े दे दें तो लस्सी पियोगे, हाँ चलेगी, चलो ठीक। वैसे इनको बोलो दो गिलास ना लस्सी के दे दें जल्दी से। कितने के? एक गिलास 90 का, 180 रुपए के दो गिलास, चलो ठीक है, उनको बोलो दे दो, जल्दी दे दो थोड़ा, ठीक है ना। वैसे ये ले लो, ये पड़े दो गिलास ना, उनको बोलो स्ट्रॉ भी दे दो इसके साथ, एक गिलास मुझे दे दो, एक आप ले लो। शुक्रिया, देखा कैसी जबरदस्त, कैसा टेस्ट, अच्छा है। वैसे भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, हाँ, क्योंकि आप बहुत वीक हो ना, कमज़ोर हो, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है।
ये लो गिलास दे लो, जल्दी करो, चलें फिर। और यहाँ पर मंकी देखो कितना लड़ रहा है आपस में, ऐसा नहीं करो भाई, मंकी की शरारतें देखो छोटा पैकेट बड़ा जमा कर। जी तो हम वापस आ गए। खाने से पहले मैं अपना हनी वाला पानी पी के जाऊंगी क्योंकि अब मैं फुल डाइट पर कुछ खा लगता है नहीं है कि आप डाइट पे थोड़ा सा खा लूंगी लेकिन अभी ये गर्म लगता है, थोड़ा थोड़ा लगता है, ज्यादा नहीं लगता कि ये डाइट कर सकेंगे क्योंकि हम मदीने जा रही हैं, इसको जरा दिखाएं क्योंकि ये मदीने जा रही हैं तो वहाँ तो ब्रोस्ट खा के ना और ज्यादा मोटी होके आएंगी वहाँ। सऊदीया में यस मैं वहाँ पर थोड़ा थोड़ा खाऊंगी। सऊदीया में हो ही नहीं सकता, जब ब्रोस्ट पड़े हूँ सामने तो आप कहेंगे मैं थोड़ा थोड़ा। ये तो हमारे सब्सक्राइबर अमर मीर आए मिलने हमसे और हमें बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए। आप लोग इनके चैनल को सपोर्ट करें और जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और प्लीज़ मेरा भी एक चैनल है अमर मीर ब्लॉग्स के नाम से, AMMIR BLOGS ब्लॉग्स के नाम से मशहूर है और इंशाल्लाह आप मुझे भी सपोर्ट करें, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, आप देखेंगे आप लोगों को अच्छी लगेगी। जी जी बिल्कुल, अमर मीर ब्लॉग के नाम से इनका चैनल है और इनको सपोर्ट करें और इसके इन्होंने जो है ना अच्छी अच्छी ये वीडियोस बनाते हैं, डेली व्लॉगिंग करते हैं ये। हमजा कैसे हैं आप? हमजा बताओ, आप नहीं बताएंगे हमें कि आप कैसे हैं? भैया ठीक ही है बस, और ठीक भाई ठीक, आप सुनाओ कैसे है आजकल, क्या कैसे व्लॉगिंग जा रही है? बस जैसे टाइम पास हो रहे कर रहे हैं, क्या करें। अच्छा अच्छा, तो आपने वो फेसबुक और इन चीज़ों का सब बता दिया था? हाँ बताया था लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोगों को पता चला हो, क्योंकि फेसबुक पे आज भी वो सतारा लोग और आप लोगों की जो वीडियो थी ना उधर कमेंट वैसे ही आ रहे जैसे आते कि भाई आप कैसे हैं, तो उनको शायद अभी तक नहीं पता। मुझे लगता है फेसबुक के अलग लोग हैं, यहाँ के लोग अलग हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी कोई कुछ पता नहीं चला, अभी नहीं बनाना, अभी आप लोगों को अपना, आप लोगों का खुद का बना के देते हैं, आप अपना खुद डाल। हाँ हमारा जैसे यहाँ पे डालो उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे डालना, फिर किसी को कोई ऐसे ऐसे ही करेंगे आप, तो यह है कि दूसरों को पता चलेगा कि कौन सा फेक है और कौन सा सही है। हाँ ये तब ताकि सबको पता भी चल जाए ना फिर। ठीक है ठीक है। आज तारा जी जो है आलू मटर कीमा बना रही है, देखें सब चीज़ कट होके पड़ी है, अभी बस थोड़ी देर में ये पकाएंगे। कितनी देर लगेगी? बस अभी मसाले काट लिए, थोड़ा टाइम लगेगा। चलो चलो, आधे घंटे में पक जाएगा। ये तो मटर कीमा रेडी है और अभी मैं कोसर के लिए अलग से डाल के रख देता हूँ और जब मैं जाऊँगा तो ले जाऊँगा। मैं अभी बच्चों के साथ इधर ही बैठ के खाना खा रहा हूँ। ये तो मैंने उनके लिए अलग से डाल के रख दिया, जब जाऊँगा तो उनके लिए ले जाऊँगा। अभी खाना रेडी है और सब बच्चे बैठ के खाना खा रहे हैं, मैं इनके साथ बैठ रहा हूँ खाना खाने के लिए। ओएस और गुलाम मुस्तफ़ा किसी तारफ के मोहताज नहीं और तैयबा महम सब बैठ के हम खाना खा रहे हैं। कैसा टेस्ट? अच्छा है खाना? तुम्हारी मम्मा ने अच्छा खाना बनाया? पापा भूल गया, आपके फेस रिवील हो गया, उसे भी दिखा। वो तो कब का हो गया है, उसे क्यों नहीं? क्या कह रहे थे? अभी का फेस रिवील हो गया, अभी नहीं रहा। हाँ रिवील तो हो गया, अभी जब इसको एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे ना तो वहीं से मैं इसका फेस रिवील करूंगा अपने अपने व्लॉग में। वीडियो में नहीं आऊंगी, ऐसे नहीं आएंगे, मैं खुद फेस रिवील करूंगा आपका। ये लो आपके लिए सालन लाया हूँ। सालन अभी अभी खा लो क्योंकि फ्रेश बना हुआ है और अच्छा बना हुआ है, ठीक है ना? ठीक है मैं अभी घर जाता हूँ। ओके okay. तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और सुबह है तो छुट्टी, अभी कुछ सो गए हैं और बच्चे तकरीबन सो गए हैं और अभी सितारा सब जाग रहे हैं, तो अभी सुबह सब सोने वाले हैं। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।